गाइस जैसे मैं कह रही थी आप लोगों से कि करिश्मा ने कुछ मंगाया है, ये गाइस रख दिया इसके अंदर पिज्जा। अभी से खाओ, कोने से खाओ। अरे सीधा कर बाबू। क्या घर से निकलते ही खाना पीना। आज मैंने छोले भटूरे खा लिए हैं। अब बोलो तेरे हर जाता मैं कोई रिश्ता। तो गाइस मेरी मम्मी जा रही है नेपाल, तो वो इसलिए आई हैं, वो अपने अब्बू जी से मिलने जा रही हैं। वो नेपाल की है ना, इसलिए वो जा रही है नेपाल। तो वही लेकर आई हैं मेरे लिए जूस वूस बना के लेकर आई हैं। और ये है नेपाली बच्चा, दिखाता हूँ। क्यों भाई, ये है नेपाली बच्चा। सही से बैठ के हिंदी आती तुझे है। हाय घर। तो गाइस ये आया हुआ था हमारे घर में, तो इसको छोड़ने ही जा रही है मेरी मम्मी नेपाल। तो मेरी मम्मी जब जाएंगी तो मैं आपको दिखाऊंगी, ठीक है। तो आप भी इतनी जा रही शायद करवल जाए। गाइस अभी उठ के बैठी है और पता नहीं इधर से फोन में क्या कह रही थी। तो इधर से मैंने जूस रख रखा है और ये देखो इसने कुछ मंगाया है, ठीक है। तो गाइस जैसे मैं कह रही थी आप लोगों से कि करिश्मा ने कुछ मंगाया है, तो देखो इसने कुछ मंगाया है। ये इतना बड़ा और गिनो का पिज्जा बनाऊंगी गाइस। इसने पिज्जा का सामान मंगवा लिया, अब मैं मौका नहीं दूंगी। तो गाइस मैंने यहाँ पे कर ली है अपनी पिज्जा की तैयारी, आप देख सकते हो। ये रहा मेरा चीज। गाइस हमने इसमें फिर से पिज्जा पास्ता सॉस और मेयोनीज डाल दी है, और इसका जो अंदर था वो हमने अंदर रेडी करने के बाद उसके ऊपर से एक लेयर ढक दी है, मतलब इसको कट कर लिया था हमने पहले। अब इसमें हम मिक्स कर लेंगे इसको। ये देखो ये देख रहा है, समझ में आ रहा है क्या बना दी, क्या क्या डाल रही है, सॉस और क्या डाला, और क्या डाला नहीं पता। देख सकते हो कितना लाजवाब, कितना लाजवाब लग रहा है ना गाइस। मैं सब कुछ इसके अंदर डाल दिया, मैं इसमें रखूंगी ओवन में। ओवन में रखने के बाद फिर हम आपको इसको दिखाते हैं, ठीक है। ये गाइस रख दिया इसके अंदर पिज्जा, अभी पिज्जा रेडी हो जाएगा फिर हम आपको दिखाते हैं। घूम रहा है, अरे खोल कर। हां घूम रहा है। हां देखो घूम रहा है। तूने पहली बार देखा है, है अच्छा लग रहा है देख के। अच्छा लग रहा है। क्या इसमें क्या बनेगा, पिज्जा है देखा है तुमने, मगर देखे खाए ना, देखा किसको था। तो गाइस उसने ना ओवन में पहली बार देखा, पिज्जा ही फर्स्ट टाइम खाएगा वो, तो इसलिए इतना खुश हो रहा है वो। हो गया हो गया, खोलने जा रहे हैं। खोल दो ढक्कन। ओ ओ ओ क्या ना, देख कैसे टपक रहा है। देख रहा है इस पिज्जा बन के हो चुका है रेडी, और कम मौका कर रही है कट। फिर फोन नगमा दा पिज्जा है, नगमा दा पिज्जा। तो गाइस नौशाद इतना खुश हो रहा है, उसने फर्स्ट टाइम पिज्जा खाएगा, फर्स्ट टाइम इसका एक्सपीरियंस होगा कि इसको कैसा लगा है ना टेस्ट। टेस्ट चेक चेक करके बताओ, लेके कहा निकाले पिज्जा ऐसा करके, ऐसे उठाओ। फुप्पो तो निकाल लेंगे, आप निकालो तो निकाल। ऐसे उठाओ, ऐसे ऐसे उठाते हैं, ऐसे उठाते हैं, ऐसे करके ऐसे उठाते हैं, यहाँ आगे से खाते हैं। हाँ यहाँ से पकड़ो, यहाँ से पीछे से। हाँ ऐसे खाओ, कोने से खाओ, सीधा कर बाबू। क्या कर रहा है, छोड़ छोड़। कृष्णबाजी कृष्णबाजी खाएंगे, ऐसे उठाते हैं ठीक है, इसको ऐसे पकड़ते नीचे, इसे ऐसे खा देंगे, ऐसे खाते चले जाएंगे। ले आप पकड़, ऐसे तोड़ेंगे नहीं, ऐसे खाएंगे। अच्छा ये हुई बात गाइस, ये फर्स्ट टाइम खा रहे हैं ना, इसलिए इसे पता नहीं है, इसलिए हम इसे सिखा रहे हैं। कैसा लगा, बढ़िया बढ़िया, चटनी लगा टेस्टी। ये
चटनी डाल के खाते हैं ऊपर से, खानी चटनी डाल के। देख मेरी अम्मी बता रही हैं। अब खा के देख इसको, पहले से खाया था, अब चटनी के साथ खा के देख कैसा लगा। अच्छा लगा, इतना खुश हो रहा है। हम तो और बना लेंगे, एक और खा लियो बाबू। हैं खा लियो बाबू, अच्छा लग रहा। तो गाइस पिज्जा वगैरह खाने के बाद मैं चली गई थी नहाने, और नहा कर आने के बाद हम खा रहे हैं अब खाना, क्योंकि मैं खाना बना के ही गई थी, अम्मा ने नहीं बनाया। मैं दिखाती हूँ क्या, ये देखिए, ये है राजमा चावल। ये मैंने राजमा चढ़ा दिए, राजमा बना के गई थी, चावल बना के गई थी, ये कैसा घुर रहा। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं आपसे तैयार होने के बाद, ठीक है। चलिए हम खाना खा लेते हैं। तो गाइस तैयार होके हम निकले हैं पार्लर, और पार्लर निकलते के साथ ही आ गई बारिश। तो देखिए हो रही है बारिश धीमी धीमी, और ये रही भैंस है, और ये रहे हम। तो फाइनली गाइस हम आ चुके हैं पार्लर, और पार्लर आने के बाद अब मेरी बन रही है छोटी, अब मैं जा रही हूँ कपड़े चेंज करने, नमाज पढ़ने। क्या चीज तो चिल्ला होता है, क्या कह रही है? चिल्ला क्या होता है? चिल्ला क्या बेसन का होता है, ज्वार वगैरह डाल के खाते हैं। अरे चीला, चिल्ला होता है। अरे चीला, अल्लो सर्च कर दो मां, चीला चीला चिल्ला चिल्ला कर रही हो तुम, चिल्ला के कितना कुछ पाएगा। चिल्ला में चीला, देखो चीला चीला लिखा हुआ है, देखो चीला। और हमसे कह रही चीला नहीं खाया तो क्या खाया, चिल्ला। तो गाइस ये है हमारी दुकान की न्यू लड़की, और वो चीले को चिल्ला बोल रही है। अरे पानी नहीं होगा, इनके लिए दुआ करो ये स्लिम ड्रीम हो जाए। ये जिम कर रही है मैडम, ये जिम कर रही है। चिल्ली पोटैटो ले। अच्छा ये बताओ, तुम जिम में जाती हो तो खाने के लिए सोचती रहती हो? नहीं तो वहाँ पर तो मेरे माँ पर तो बस एक ही रिश्ता जुड़ जाता, मेरा क्या टम्पल होता है इधर से उधर, लेकिन उनकी तरफ से बदले। और जिम से निकलते ही खाना पीना, आज मैंने छोले भटूरे खा लिए। जिम कर रही छोले भटूरे खा रही, जिम से खा रही। और अभी कह रही मरती हो गरम गरम, चिल्ला हो चीले को कह रही चिल्ला हो, चीला चीला। तो फाइनली गाइस नगमा ने नमाज वमाज पढ़ ली है, देखो कैसे बैठी है और खेल रही है बलून से, ये मेरे सर पे मार रही है बार बार। बदतमीज तुम्हारा क्या खाने का दिल कर रहा है? हेलो गाइस, अब हमारी अम्मी आई है शॉप पर, और हमने मंगाई फ्रूट भी। ये देखो गाइस अम्मी आई हुई है, और ये नेपाली बच्चा सान को, क्या नाम, क्या नाम, नाम क्या, नौशा, मैं नाम भूल जाती हूँ। और अम्मी के लिए हमने फ्रूटी मंगाई है, कैसे आप फ्रूटी कर रही हैं? ये देखिए गाइस फ्रूटी के ग्लास, चलो आप पियो। तो फाइनली गाइस हमने दुकान पे कमाने के बाद और एंजॉय करने के बाद, पार्टी करने के बाद, अब हम चले अपने घर। और चुनू देखो क्या साफ कर रही है, हमें तो कुछ पता नहीं। अच्छा सनग्लासेस साफ कर रही है, और पांडे जी तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, छोड़ो इनको भी, देखो स्पेक्स साफ कर रहे हैं। तो चलो गाइस अब हम मिलते हैं अपने घर पर, बाय टाटा सी यू। तो फाइनली गाइस अब हम दुकान से आ चुके हैं घर, और घर आने के बाद देखो अभी हम आके बैठे ही हैं, ये रहा हमारा चुन्नू, और चुन्नू क्या कर रहा है मैं आपको दिखाऊं। गाइस चुन्नू चाउमीन लाया है, अच्छा वो भी उनसे लेकर आया जिसे बचपन में खाता था चाउमीन। गाइस देखो मैंने अभी फोन रखा, तुरंत मुझे मेरी चाउमीन मिल गई। तो गाइस जैसे कि मैं अपनी चाउमीन खाने जा रहा हूँ, मैं अपनी चाउमीन खा के बताता हूँ, पहले मैं सोयाबीन खा के बताऊंगा। बहुत टेस्टी बनाया गाइस, बहुत टेस्टी, हकीकत है बहुत टेस्टी है, मजे ही मजे, लाजवाब, गजब, चक्का जड़, ये सारे मच किया।
तो गाइस देखो नगमा ये चौमिन खाते हुए, वाओ कैसी लगी, बहुत अच्छा आ रही है नौशाद। तो कैसी लग रही है? बढ़िया। और वो आंटी चौमिन खाते हुए, आंटी कैसी लग रही है? बढ़िया। तो चलो गाइस अब हम चौमिन वोमिन खा लेते हैं, फिर हम बाद में बात करते हैं, बाय। तो फाइनली गाइस हमने चौमिन वोमिन खा लिए, चौमिन खाने के बाद हमने कपड़े चेंज कर लिए और अपनी मशीन लगा ली है और चुन्नू ने हमारी नमाज पढ़ ली है। ये देखिए हमारा चुन्नू, और देखते हैं चुन्नू क्या बना रही है। तो मैं आपको दिखाते हूँ बैक कैमरा करके, क्योंकि ये है फ्रंट कैमरा, ठीक है। ये देखो गाइस ये चुन्नू बना रही है, ये सोयाबीन का कोरमा बन रहा है, और ये पांडे जी की आंख दिख रही होगी आपको, ये फ्राई प्याज, ये चावल, और ये फ्राई हुए हुए पनीर, ये दूध, ये हमारा चुन्नू। तो चुन्नू चुन्नू क्या बन रहा है? बिरयानी। तो गाइस हमारे घर में बन रही है वेज बिरयानी, जो सोयाबीन और पनीर से निर्मित होगी। और देखो पांडे जी खूब हंस रहे हैं, ये पांडे जी फिर चुप गए, ये देखो। तो गाइस ये सोयाबीन और पनीर से निर्मित होके बनेगी बिरयानी हमारे घर में, वेज बिरयानी। ये रहा हमारा चुन्नू, तो फिर आ चुका है दोबारा से हमारे ब्लॉग में चुन्नू। तो चलो गाइस अब हम मिलते हैं बिरयानी पे, बाय बाय टाटा सी यू। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, बाजी इतना करता हूँ ये, तो कैसे आप सभी लोग, वेलकम टू, पहले बोलना सीख कर फिर ब्लॉग बनाएंगे, चल। नताशा खान ब्लॉगर में नहीं, ब्लॉगिंग में आपका स्वागत है। और मैं काला आ लाऊंगा मुझे पता है, क्योंकि मैं अफ्रीका से आया हूँ, क्योंकि और अफ्रीका में मेरी बाजी भी थी साथ में, क्योंकि वो अमेरिका चली गई थी तो वो गोरी होकर आ गई, मैं इंडिया में रह गया, तो थोड़ा सा वो रह गया मैं सांवला सा। ये देखिए ये अमेरिकन लड़की इतनी काली सी हो रही है फिर भी इंडिया के तरह, और ये तो मेरे साथ ही थी उनमें अफ्रीका में। यही तो मुझे लेके आई थी अफ्रीका से इंडिया, तो बाजी ऐसी हो गई मेरे तरह। ये देखिए गाइस मतलब दो घंटे हो गए, शानवाज ने आज अपने पैसों से ये मुझे खरीद के लाके दिए। अच्छा ये यादगार है गाइस, इसलिए मैं बता रही हूँ मेरी ब्लॉग में ये रिकॉर्ड हो जाए, और लाइव में जब ये बोलेगा तो मैं क्या पिलाया था, मैं बता दूंगी। प्लीज स्टार्टिंग में पिलाया था सबसे फर्स्ट तेरे पैसों का मैंने ये पिया। अच्छा ठीक है, ये एनर्जल, ये है सैंडविच के पैसों का स्पेशल। तो गाइस फाइनली हमारी बिरयानी हो चुकी है रेडी, नगमा दिखाएंगे खोल के। ओ वाओ पनीर दम बिरयानी, ओ माय गॉड, और प्लस चटनी, ओ माय गॉड, और ये हमारा चुन्नू। तो चलो गाइस अब हम खाना निकलवा लेते हैं, मतलब प्लेट में दिखाते हैं आपको। तो फाइनली गाइस हमें बिरयानी मिल चुकी है, और हम खा के टेस्ट बताते हैं आपको, एक भी मोमबत्ती नहीं बुझाई कि अब कैसा टेस्ट है। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको मोमबत्ती नहीं बुझाई, चुप, अरे मोमबत्ती नहीं बुझाई तुमने एक भी, हाँ, कोई बात नहीं, तुम हार गई गाइस, ये ब्लॉग देख रहा है ना तो बोल रहा है मेरे को, हाँ गेम में हार गई तुम, गुप्ता जीती थी। तो देखो गाइस ये बिरयानी गाइस बहुत अच्छी बनी हुई है, हमारी बिरयानी में एक कमी है कि बस नमक कम है। तो कोई ना, चटनी भी बनाई है नगमा ने, चटनी से बाइट लिया, अभी लगी बिरयानी बिरयानी। तो चलो गाइस हम मिलते हैं खाना खाने के बाद, हम खाना खा लो क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही है, और बिरयानी बहुत टेस्टी बनी और मजा आ गया। तो गाइस देखो बिरयानी बनी है, इसकी डिमांड पे जो लड़का बैठा है हमारे घर में नेपाल से जो आया हुआ है, ये देखो ये बिरयानी खा रहा है। भाई कैसे बनी है बिरयानी? बढ़िया बनी है। शानवाज तू बता कैसी बनी है? बढ़िया बनी है। कहाँ प्लेट? अभी खाइए गाइस, इन्हें अभी प्लेट वापसी करने का दिया है सोयाबीन का पीस डलवाने के लिए। और तो चलो गाइस हम मिलेंगे थोड़ी देर बाद। तो फाइनली गाइस खाना खाने के बाद हो गया हमारे दूध पीने का टाइम। तो गाइस अब हम दूध पियेंगे और हम सो जाएंगे। तो गाइस आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, और हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके बाय, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़, टाटा, टेक केयर।